हेलो पीपल खूबश्यर आर वेल आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी हमें कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यहाँ पे प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है ऑफेंडर्स को या फिर जो अक्यूज है सो इट लेस डाउन सर्टन सेफ गार्ड्स टू द पर्सन अक्यूज ऑफ क्राइम्स एज स्टेटेड बिलो ये क्या कर रहा है कुछ सेफ गार्ड्स बता रहा है जिससे अक्यूज पर्सन को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल रही है section, इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज वन में बताया है दूसरा है डबल जियो पार्टी जो कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू में बताया है तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री में बताया गया है अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज वन सेज एक्सपोज फैक्टो लॉ मीन्स अ लॉ विच इम्पोजिज पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन द एक्ट्स ऑलरेडी डन जो एक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर कुछ भी पेनल्टी या कन्विक्शन को इम्पोज करने के बारे में एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब है द क्लॉज वन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ ठीक है यहाँ पर एक्सपोज फैक्टर लॉ का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि जो एक्सपोज फैक्टर लॉ ऐसे लॉ हैं जो कि इम्पोज करते पेनल्टी उस कन्विक्शन के ऊपर सॉरी उन एक्ट के ऊपर जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं उन पर हमें पेनल्टी एक्सपोज करनी है ये हमारा एक्सपोज फैक्टर लॉ कहता है लेकिन क्लॉज वन कहता है इसका कि ये जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट दीज लॉज विच मीन्स नो इंडिविजुअल कैन बी कन्विक्टेड फॉर द एक्शन दैट वमिटेड बिफोर दैक्टमेंट ऑफ द लॉ इसका क्या मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल को सज़ा नहीं होगी उस एक्शन के लिए जो कि लॉ के इनैक्ट होने से पहले किए गए जैसे मान लो कि आई पी सी अभी आई ठीक है आई पी सी इस समय पर आई फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आई पी सी इस समय पर नेक्ट हुई ठीक है अब उससे पहले किसी ने कोई भी लॉ ऐसा किया था जो कि आईपीसी में अब पनिशेबल है तो उस समय जो उसने काम किया था आईपीसी के एनेक्ट होने से पहले उसको उस चीज के लिए सजा नहीं मिल सकती है अब द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लाज वन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम पेनल्टी ग्रेटर ग्रेटर दैन डैट विच ही माइट है टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस सेकेंड पार्ट क्लॉज वन का प्रोटेक्ट करता है किसी भी पर्सन को पेनल्टी से जो कि ज़्यादा है उस समय जब उसने ऑफेंस कमिट किया था फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल समझो इफ अ पर्सन ए कमिट्सन ऑफिस इन द ईयर 1947 किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमेट किया 1947 में उस समय उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट का फाइन है वो सौ रुपये था सो द सेम एक्ट वॉज एमेंडेड इन 1949 अब उस एक्ट को एमेंड किया गया उस एक्ट को नहीं मतलब उस ऑफेंस को जब उसमें कुछ एनहेंसमेंट लाई गई तो 1949 में उसके फाइन को बढ़ा करके पाँच सौ रुपए कर दिया सो इन सच अ केस द पनिशमेंट एनहैंस्ड वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द एक्ट ऑफ 1947 फोर्टी तो ऐसे में उसको सौ रुपये ही देने पड़ेंगे जस्ट ये है पूरी बात का कि उसे सौ रुपए ही देने पड़ेंगे उसे पाँच सौ रुपये बढ़ा करके नहीं देने पड़ेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा टू द एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन द सेम वुड भी सेटिसाइड उसे सेटाफाइड कर दिया जाएगा लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है टू द रिडक्शन ऑफ सेंटेंसेस में अब बात आती है आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉस टू के बारे में जो कि डबल जी ओ के बारे में बताता है सो नो डबल जियो पार्टी डबल जी ओ का मतलब है कि किसी भी पर्सन को एक बार अगर प्रोसिक्यूट और पनिश कर दिया गया है किसी ऑफेंस के लिए तो दोबारा उसको सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूटेड या पनिश्ड नहीं किया जाएगा नो पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन एक बार अगर उसे पनिश कर दिया गया है प्रोसिक्यूशन हो चुका है उसके खिलाफ सारी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं तो दोबारा से उसको सेम ऑफेंस के लिए नहीं पनिश किया जाएगा जैसे इसको एग्जाम्पल समझो कि मान लो किसी का कि, आ, किसी के ऊपर कोई किडनेपिंग का केस था सब कुछ प्रूव हो गया कि उसने किडनैपिंग करी है और उसको आ, सजा हो गई इस पनिश कर दिया गया दोबारा जब वो जेल से छूटा तो उसने किसी भी ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पेरेसी करी ठीक है मान लो कि किडनैपिंग की उसने उसको कॉन्स्पेरेसी करते हुए पकड़ा गया तो अब क्या उसको कॉन्स्पेरेसी के लिए हम लोग हेल्ड नहीं कर सकते कॉन्स्पेरेसी के लिए हेल्ड कर सकते हैं लेकिन उसी केस के लिए उसी जैसे किडनैपिंग वाला जो केस हुआ था उसी केस के लिए पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग दोबारा उसको सजा नहीं दे सकते कोई दूसरा एक्ट अगर उसने किया है तो उसके लिए सजा मिल सकती है नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो डेबिट बिस् विक्सारी अ पर्सन केन नॉट बी पुट इन पैरल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस किसी भी इंसान को बिहाइंड द पार्ट्स दो बार नहीं कर सकते हैं एक ऑफेंस के लिए ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू इनकॉर्पोरेट्स ओनली द रूल ऑफ ऑट्रोफोइस कन्विक्ट प्रीवियसली कन्विक्टेड इसका मतलब है एंड नॉट एक्विट प्रीवियसली एक्विटेड ठीक है सिर्फ यही जो रूल है वो इनकॉर्पोरेट करता है सेल्फ इन आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी पर्सन को आप खुद के लिए गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बोलने के लिए उसको कंपेल नहीं कर सकते हो जिसके वजह से उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्सपोज हो सकती है या कोई पेनल्टी एक्सपोज हो सकती है इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 161 सीआरपीसी में उसमें भी साफ बताया गया है कि आप किसी को भी इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ एविडेंस दें या खुद के खिलाफ विटनेस बने सो नो सेल्फ इज इंक्रिमिनेशन नो पर्सन शैल बी कम्पेयर टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ द दक्यूज इज प्रज्यूम टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव हमने हमेशा सुना है कि अक्यूज़ को तब तक इनोसेंट प्रूव किया जाता तब तक इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है जब तक कि उसका गिल्ट जो है वो प्रूव ना हो जाए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू इस्टेब्लिश हिज गिल्ट ये ड्यूटी किसकी है कौन प्रूव करेगा कि वो गिल्टी है प्रोसिक्यूशन ऑब्वियसली प्रूव करेगी कि कोई भी पर्सन गिल्टी है एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट मस्ट बी शोन दैट द पर्सन वाज कंपेल्ड टू मेक अ स्टेटमेंट विच वाज लाइकली टू इनक्रिमिनेट हिम देखो ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन लेने के लिए कहा गया इस केस में कि ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि आपको कंपेल किया गया था कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए जो कि आपको इनक्रिमिनेट करता मतलब सेल्फ इनक्रिमिनेशन आपका करता बट इफ अ पर्सन मेक्स अ कन्फेशन विदाउट एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री विल नॉट अप्लाई इस केस में क्या कहा गया कि ये चीज दिखाना हमें जरूरी है कि किसी पर्सन को कंपेल किया गया था उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए ठीक है लेकिन अगर पर्सन कन्फेशन कर देता है बिना किसी इंड्यूसमेंट के किसी थ्रेट के किसी प्रॉमिस के तो आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉस थ्री अप्लाई नहीं किया जाएगा बात इतनी सी है कि अगर वो वॉल्ट्री कन्फेशन करता है तो आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉस थ्री नहीं आएगा लेकिन अगर उसे कंपेल किया गया है तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में ना केस है नंदनी सतपति वर्सेस पी एल दानी नाइनटीन सेवेंटी सेवन का ये केस है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉस थ्री इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टेट ऑफ सॉरी स्टेज ऑफ पुलिस इंटेरोगेशन पुलिस इंटेरोगेशन से ही ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री अप्लाई हो जाता है देखो यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर क्यों ये हम पुलिस इंटरोगेशन की बात करने लगे इनको जो है कहा गया था कि ये सेक्शन वन नाइन को वायलेट कर रही हैं सेक्शन वन सेवेंटी नाइन आई पी सी सेक्शन वन सेवेंटी नाइन आई पी सी क्या है सेक्शन वन सेवनटी नाइन आई पी सी कहता है कि अगर आप किसी भी अथॉरिटी को कोई भी आंसर देने से मना कर देते हो ठीक है किसी भी तरीके का वो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर आप आंसर देने से मना कर देते हो तो आपको सज़ा हो सकती है छः महीने तक की ठीक है और पता नहीं फाइन लगता है या नहीं लगता तो छः महीने तक का इम्प्रजमेंट आपको हो सकता है इम्प्रेजमेंट आपका छः महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर ये यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं होगा आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री जो है वो अवेलेबल होता है स्टेज ऑफ पुलिस इंटरोगेशन से ही कि अगर पुलिस वाला कोई सवाल पूछ रहा है और कोई भी ऐसी चीज अगर आप आपको पता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि खुद आप जिसपे जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकती है कोई पेनल्टी एक्सपोज हो सकती है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे इसे हम रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 25 26 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 161 सीआरपीसी अभी मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई ठीक है फिर से एक बार इस केस को समझ लो यहाँ पर बात हो रही थी सेक्शन 179 सेवेंटी पिक्चर में आया था जिसमें यह था कि अगर आपको जो भी सवाल पूछा जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से उसका जवाब आपको देना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर है जो कि खुद को क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सपोज कर रही है पेनल्टी पे एक्सपोज कर रही है तो कोई भी पर्सन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जवाब दे ही दे तो और ये जो राइट है पर्सन की ये पुलिस इंटरोगेशन से ही अवेलेबल होती है कि जब पुलिस वाले जब पुलिस वाले इंटरोगेट कर रहे हैं उस समय भी आप चुप रह सकते हैं ठीक है नाउ दूसरा केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2012 सॉरी टू थाउजेंड का सुप्रीम कोर्ट हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन नैरको नैरको एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग नैरको एनालिसिस होता है ना वो पता नहीं क्या चिपका के अंदर से कुछ ऐसे करके वो ब्रेन का पूरा ऐसे करते हैं और मतलब आदमी आधा नशे में चला जाता है और फिर उसके बाद वो जवाब देता है आपके क्वेश्चन का ये एक मेडिकल फ्रैक्चर करता है हेल्ड दैट इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एक्यूज यहाँ पर जो है अक्यूज का कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ़ इट इज एडमिनिस्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज देन इट विल बी वायलेटिव आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री अगर ये अक्यूज़ के कंसेंट के बिना किया गया तो इससे ये वायलेट करेगा आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री को अगर आपको ऐसा कुछ भी टेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अक्यूज़ की कंसेंट लेनी होगी अगर अक्यूज़ की कंसेंट ले ली तो ठीक है अच्छी बात है तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने अक्यूज़ की कंसेंट नहीं ली और अगर आप बिना उसकी कंसेंट लिए उसका इस तरीके का कोई भी टेस्ट करेगी तो ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री को वायलेट करेगा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपका आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉस टू से रिलेटेड है डबल जियो पार्टी का वहां पर जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए यहां पर इसे लिखा है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ए आई आर सुप्रीम कोर्ट 325 ठीक है अब इसमें क्या हो रहा था ये जो मकबूल हुसैन थे ये काफी सारा गोल्ड जो है वो फॉरन कंट्री से लेकर के आ रहे थे विदाउट एनी डिक्लेरेशन कस्टम अथॉरिटीज़ ने इनका गोल्ड सीज़ किया अंडर सी कस्टम अथॉरिटीज़ एक्ट क्या किया कस्टम अथॉरिटीज़ ने इनका जो जितना भी गोल्ड ये लेकर के आ रहे थे उसको सीज कर लिया कौन से एक्ट के अंडर सी कस्टम अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर उसके बाद इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में फ़ॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पिक्चर में आ गया यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्शन लेना चाहा मकबूल हुसैन ने प्रोटेक्शन लेना चाहा कि एक बार जब मुझे सी कस्टम अथॉरिटी ने आ, एक्ट के, के अंदर जब मुझे सजा मिल चुकी है तो मैं दूसरे एक्ट के अंदर कैसे प्रोसिक्यूट मुझे किया जा सकता है या पनिश किया जा सकता है यहाँ पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू जो है वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है लेकिन वो प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग से प्रोवाइड करता है कौशी जुडिशियल अथॉरिटी या इस तरीके की जो अथॉरिटीज़ है उससे प्रोवाइड नहीं करता है यानी कि अगर कोसी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर आप एक बार कन्वेक्ट किए गए हो तो दोबारा भी आप सेम ऑफेंस के लिए कन्वेक्ट किए जा सकते हो जैसा कि इस केस में हुआ सबसे पहले उसको कन्वेक् किया गया सी कस्टम अथॉरिटीज एक्ट के अंदर फिर उसके बाद उसको कन्वेक्ट किया गया अंडर फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो दोनों एक्ट के अंदर उसको कन्वेक्ट किया जा सकता है ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर है कि एक बार आपको अगर हाई कोर्ट ने वो कन्विक कर दिया है किसी चीज के लिए तो सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा से आपको सजा नहीं मिल सकती अगर जुडिशियल अथॉरिटीज ने कुछ भी प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट किया है या पनिशमेंट दी है तो ही आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगी अगर कौशी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं तो आपको ये वाली प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती है तो इस केस में रिजेक्ट कर दिया गया था उन्होंने जो प्रोटेक्शन मांगा था उस चीज को ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये सारे केसेस ये आर्टिकल ट्वेंटी समझ में आया होगा सारे केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जुडिशरी के लिए ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो so मच